साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद भारती। उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के भुड़सुरी गांव में आए हैं। यहां आए हैं तो ऐसे मुझे माहौल मिला है, ऐसे मामला मिला है। लोगों गांव के लोगों ने बताया है कि भैया एक आप पत्रकार साहब जाइए, एक और मामला आया है, जैसे आप जल्द में ही आप लोग सोशल मीडियाओं पर चैनलों पर देखे हैं ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का। अभी वह मामला थमा भी नहीं है, तब तक एक और मामला आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। हम भुड़सुरी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, आप श्री कृष्ण राम के घर। अब इनसे ही स्वयं बातें होंगी कि आपका भी मामला कैसा है। ज्योति मौर्या आलोक मौर्या का इस समय चर्चा पर है। अब वही मामला इनके साथ भी हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इनसे जुबानी होगी। क्या नाम होगा भैया आपका? श्री कृष्ण राम। श्री कृष्ण राम भैया, ये आपके साथ कैसा मामला है? लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी शादी हुई। मामला यह है कि 80 और 81 में शादी हुआ। 80 81 में शादी हुआ। शादी होने के बाद मैं 900 BA तक पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जो है कि हमने मिडवाइफ एनम की ट्रेनिंग कराया। पोस्टिंग होने के बाद जो है कि उसके माँ बाप भाई भौजाई जो है नकर गए विदाई करने से। मैंने 406 मुकदमा किया, जिसमें वो पता ही नहीं चला कि 406 में कैसे फैसला हुआ। अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसमें अब हुक्म भरते हैं। हाँ हाँ बोलिए। 397-98 की मैंने दर्ज किया। 397-98 में उसकी माँ और बाप मिलकर सुरेश राम नाई का जो है जमानत लिया। जमानत लेने के बाद बयान हुआ, तो बयान होने के बाद जो है चंपा देवी कही है कि ये मेरा ड्राइवर है। ड्राइवर होने के नाते ये बयान में दी है कि मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी पर ही इसको ड्राइवर रखा हूँ, जिसमें बयान में दी है कि मैं शादी नहीं की। अब तक 300 बरस तक हो गया है। आप भैया कह रहे हैं कि 300 बरस तक हो गया है। उन्होंने कह रहे हैं अदालत में, कोर्ट में, कि अभी तक मैंने शादी नहीं की है, लेकिन आप ने बता रहे हैं कि मैंने साक्ष उसका रखा है और उस साक्ष को मैं प्रदर्शित करता हूं। वो कोर्ट में जब दाखिल करता हूं तो वो कह रहे है कि मैंने शादी किसी प्रकार का किसी से नहीं की है। वह जो जिसको आप लगा रहे हैं वो ड्राइवर है। हाँ, वो कहती है बयान में 398 दर्ज में कि ये मेरा जो है ड्राइवर है, जिसमें साबित किया गया है कि वो कोर्ट मैरिज कर चुकी। अच्छा भैया, कैसे आप साबित कर रहे हैं इतनी बड़ी मामला को, कैसे साबित कर रहे हैं कि वह शादी शुदा है, शादी कर ली है? हाँ, पेपर से मैं शादी साबित कर रहा हूँ। वोटर लिस्ट पर जो है कि साबित मैं कर रहा हूँ कि जब शादी नहीं की तो कहाँ से आ गई। चलिए एक मामला और ये देखे हैं, ताजा ये मामला है। ऐसे अनेक मामला हैं, लेकिन कुछ लोग नजरअंदाज कर दिए हैं, कुछ इस मामला को गहराई से नहीं लेते हैं। लेकिन इस बेचारे का, इस लाचारे का, इस मजबूर व्यक्ति का कैमरामैन घर दिखा दिए, यही घर है। डाइवोर्स में कही है कि मैं शादी नहीं किया। अच्छा भैया, जब आपने पढ़ाए लिखाए और उन को नौकरी आपने धराए। हाँ, बड़ा मेहनत से। हाँ, बड़े लगन से। अब वो छोड़कर चली गई, कैसे गई है? आप शादी उनको लाने के लिए गए थे, विदाई कराने गए, जो है कि विदा करने से इनकार कर दिया। कौन? उसके माँ बाप भाई भौजाई जो भी परिवार था उनका, सारे लोग 2-4 झापड़ मार कर भगा भी दिए आपको। हाँ, वाह, ये देखिए, ऐसे मजबूर लाचार जब लोग वहदे पर पहुंच जाते हैं, नौकरी पर पहुंच जाते हैं, तो पीछे की बातें भूल जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण भैया के सामने और इनका मामला इसी तरह है जो आपको बताने जा रहे हैं। भैया, आपके लड़के हुए थे कि नहीं? लड़के थे कि नहीं? लड़के जो है 6 माह के थे। अच्छा, 6 माह के बाद वो ट्रेनिंग में गई। ट्रेनिंग के बाद जो पोस्टिंग हुआ तो उसके माँ बाप और गए कि भाई विदाई कर दो, तो कहे कि नहीं, मैं विदाई नहीं करूँगा। न्यायालय में मैं गया, न्यायालय में कहती आ गई। अच्छा भैया, आप न्यायालय का शरण कब से लिए हैं? कब तक उनका इंतजार करते रहे और कब तक? भाई, आज तक मैं इंतजार न्यायालय का मैं कर रहा हूँ कि न्याय हो जाए। अच्छा, आपके जो लड़के हैं वह उन्होंने कभी उनसे मिलने गए थे या मिलने की चाहत रखे हैं कि नहीं? अब वो लड़का जाने गया है कि नहीं गया, अब हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, शादीशुदा आपके लड़के? शादी? हाँ, आपने
हाँ, लड़के का शादी मैं किया हूँ। चलिए, आप भैया कह रहे हैं कि मैंने अपने लड़के का शादी कर दी है, उनकी इनकी आप इनकी बहू हैं, उनसे बहू से ही बात कराएंगे, आप बने रहेंगे इस वीडियो स्क्रीन पे। भाई उस पर कह रही है न्यायालय में कि मेरा लड़का है, मेरा लड़का नहीं साबित करती, वो अपना लड़का साबित करती। तू मेरा लड़का है कि वो किसका लड़का है? ये देखिए चौंकाने वाली बात, आप श्री कृष्ण भैया ने कहे है कि वह कह रही है कि मेरा लड़का है। मैंने आप चंपा देवी कह रही है कि मेरा लड़का ये ले लिए हैं। अच्छा, आपका नहीं? नहीं, उनकी उनका लड़का आप लिए हैं। हाँ, चलिए ये सच्चाई उनके इनके बहू से यानी उस लड़के की पत्नी से रूबरू यानी मुलाकात कराएंगे, बातें कराएंगे, सत्यता क्या है। आइए, क्या नाम होगा आपका? पुष्पांजलि देवी जी, ये जो आपने श्री कृष्ण राम ने जितनी भी बातें कहें कहां तक सत्य है, ये बातें सत्य है या? सब सत्य है। सत्य है। अच्छा अच्छा, आपके पति जी उनके पास गए थे क्या कभी? हाँ, गए थे। क्या कह रहे थे? आप तो मान लें कि आपके पति जी आपसे जो भी बात रहते होंगे शेयर करते होंगे बताते होंगे, क्या उन्होंने बताया? वो शादी के पहले गए थे दो बार, वो उसने बोली कि चलिए समय आएगा तो देखा जाएगा। समय आ गया, हम भी सोचेंगे थोड़ा मिलने, उनसे मिलने के लिए गए। आप गई थी उनके पास? हाँ, प्रयागराज। अच्छा, क्या समझ कर गई थी आपने? सासू माँ समझ कर गई थी या? हम सासू माँ समझ कर गए हैं, कुछ भी करिए तो जन्म दी है। जब शेयर कर रही है, कोर्ट में बता रही है कि मेरा एक लड़का है, तो हम भी सोचेंगे थोड़ा जाए मिल ले। भाई इन लोग से नहीं व्यवहार करे, नहीं मिल रही है तो थोड़ा हमसे भी मिल लेगी, हम भी गए। आपने सोची है कि वो भी महिला है, माता है, और मैं भी महिला है, महिला और महिले की बात अगर सुनती है जानती है तो वह आपने उनको कोशिश की है ना? हाँ। तो फिर क्या हुआ? गए वहाँ पे एक महीने तक तो हम कहीं रहे वहीं पे रिश्तेदार में, फिर सोच रहे थे कब उनका छुट्टी मिलेगी, बहुत ट्रेनिंग चल रही थी कोरोना के लेकर। फिर गए, अब नहान का समय था, वहाँ पे मेला वाला लग रहा था कुंभ का, हम सोचे आज छुट्टी है। एनम उनम से उनके यहाँ से बात हुआ, वो लोग बोली कि छुट्टी होगा, हम रूम पे गए उसके क्वार्टर, वहाँ पे गए तो उसका छुट्टी नहीं था, दो लड़के मिले। उसने बोले कि भाई चंपा, अच्छा, लड़का किसके लड़के मिले अब मालूम नहीं। अच्छा। कि उसके पड़ोस के लड़के थे कि उसके कौन लड़के थे, उन लोग से पूछे कि भाई ये चंपा घर कुंभ देवी का घर है, तो बोला कि नहीं तुम लोग गलत रास्ते पे चले। हम कहीं नहीं, बात कराइए, चंपा का ये घर है। कह रहे हाँ है, लेकिन उनके क्या है? उनका कुछ नहीं है, लेकिन बात थोड़ा कराइए उनसे, है कि नहीं, तो क्या ड्यूटी गई है? तो वो लोग लड़के बात कराए, तो हमने बोले कि हाँ मैडम, हम मऊ जिले से आए हैं, आपके बहू हैं। उसने बोली कि मेरा बहू लड़का कोई नहीं, भगी जाओ, चली जाओ यहाँ से। फिर भी मैं प्रयास करी, कई बार फोन करी, तो कही कि गाली वाली देकर उल्टा सीधा बोल दी। हम तो नहीं कुछ बोले, भाई वो कुछ भी कह सके, अब मैं कैसे करूं, तो अपना चले आए हम। ये अभी उस महिला को माता, अपनी सासू माता मानती है, वह महिला मानने से इनकार कर रही है। हाँ, तो हम लोग अपने चले आए जहाँ रहते थे, वहाँ पे रहते रहते रात को, उसी दिन रात को 8 बजे, वो 8-9 बजे एक जेंट्स का फोन आया, वो बोला कि तुम पुष्पांजलि देवी बोल रही हो। वो मुझसे बोली कि तुम कौन हो? हम बोले पुष्पांजलि देवी आपकी बहू, वो नाम मेरी जान गई। उससे फोन करवाई, उसने बोला कि मैं एक पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं तुमको अरेस्ट करने आ रहा हूँ, तुम चंपा देवी घर लूटपाट करने गए थे। हम कहा ठीक है, हम लूटपाट करने गए हैं तो हमको तो एरिया मालूम नहीं है। उसने बोला कि किस एरिया में हो बताओ, हम कहीं गार्जियन नहीं है, हम तो नहीं यहाँ पे जानती हूँ, किस एरिया में आएंगे तो बात कराएंगे, अगर अरेस्ट करना है तो लोकेशन से आ जाइए। भाई आजकल मोबाइल तो लोकेशन पर चल रही है, हमने बोला, तो कहा कि ठीक है हम तुमको अरेस्ट करेंगे, जल्दी फोन करना। चलिए ये तो बात इनकी रही है, इन्होंने उस महिला को अपनी माता समझकर, सासू माँ समझकर वहां तक पहुंची है, वहां से ये विफल हो गई, यानी उन्होंने इनको मानने के लिए तैयार नहीं रही है। अब उनके ही घर के बगल से ही बात करेंगे कि ये बात कहां तक सत्य रही है। जो पुष्पांजलि जी, पुष्पांजलि मेन मुद्दा जान भाई, मेन क्या नाम होगा आपका? अंजू। अंजू जी, जो आप श्री कृष्ण जी को जानती है? हाँ। पुष्पांजलि जी को जानती है? हाँ। जो श्री कृष्ण जी के लड़के हैं उनको जानती है? हाँ।
आप यहीं के रहने वाली हैं। अच्छा जो ये मामला सिरकुशन जी बहुत परेशान है, कह रहे थे मेरी शादी 82 में हुआ था, 82 से अब तक 81 में, मान लीजिए 80-81 में आपकी शादी हुई थी, तब से लेकर आज तक ये सिरकुशन जी बहुत दुखी हैं, और दुखी हैं तो उस महिला को लेकर दुखी हैं जिन्होंने बता रहे हैं कि उस महिला ने 8 पास करके यहाँ आई थी, 9 और ग्रेजुएशन मैंने डिग्री कराई, यहाँ तक उस महिला को एनम एनम में पोस्टेड यानी भर्ती करा दिए। वह महिला भर्ती होते ही इस गरीब व्यक्ति को छोड़कर वह दूसरों के साथ रंगरलिया तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी के साथ वो रह रहे हैं, क्या ये सत्य है? इलाहाबाद नहीं, नहीं गलत है, इलाहाबाद नहीं, नहीं सही है, सही है। अच्छा वो महिला कैसी थी पहले तो आप लोग जानते रहे होंगे? हम तो ना जानते से वो बड़ी थी तो हम लोग उनको बहुत लगेंगे। चलिए आपको फिर वहीं लेके चलते हैं, सिरकुशन जी से और दुख भरी कहानी इनसे ही जानेंगे। भैया आपको तो बड़ा दुख होता है इस समय? हाँ अच्छा से है मेरा तकलीफ बड़े कहते हैं ना, गरीबी बड़ा धर्म का नाश होता है लोग कहते हैं, लोग मजा लेते हैं। अच्छा आपने कोर्ट किया है भैया? हाँ। तो आपके जो वकील साहब है ये कहाँ तक पहुँचाए हैं और क्या कह रहे हैं? कुछ न्यायालय में चलता है, आऊँ माऊँ रोज करते हैं, कुछ पैसा भी दे चुका हूँ और 1-2 लाख मांगते हैं कि दो तो बहस मैं करूँगा। ये देखिए अच्छा भैया आप हार निखन गई, अब यहाँ से तो डाइवोर्स मेरा जानबूझ के खारिज करा दिया गया है कि मैंने खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में गया तो मैं उसकी रेखा जो है खोजा। चलिए मामला वहाँ अब लेके चलते हैं, सीधे आपको वहीं लेके चलते हैं जहाँ सबसे तेज वायरल सोशल मीडिया पर चल रहा था ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। आप ज्योति मौर्य आलोक मौर्य सरकार के नजर में पहुँचे तो उनकी कुछ फरियादें सुनी गई, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मेरा यही निवेदन है कि सही उचित विचार कर जा कि हाँ कितना गलत है कितना सही है, मुझे सही विचार होना चाहिए। अब वकील से मिलते होंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि अब वकील साहब कह रहे हैं कि 1-2 लाख तो मैं बहस करूंगा। चाचा उतना पैसा भैया तुम्हारे पास तो बाना? हमारे पास उतना पैसा नहीं है, गरीबी में हो, पूरा मेरे ऊपर जांच करा लिया जाए, उसके ऊपर जांच करा लिया जाए कि हकीकत में क्या चीजें हैं। इस वीडियो स्क्रीन पर मैं एक बात और बता दूं, आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय आदित्यनाथ योगी जी से मेरी विनती है कि ऐसे गरीब ऐसे लाचार जिनके ऐसे ऐसे बहू हो, ऐसे ऐसे पुत्र हो, ऐसे गरीब मकान हो, इस पर आपका फोकस यानी आपकी नजर अगर नहीं जाती है सर जी तो फिर ऐसे लोग किस पर भरोसा करेंगे? आप खुद कह रहे हैं कि मैंने कोर्ट किया है और कोर्ट में मेरे पास इतना दौलत नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है जिससे मैं वकील साहब को दूं और मेरी फरियादें सुनी जाए। आप से पुनः फिर एक बार विनती करते हैं कि ऐसे ऐसे गरीबों पर, ऐसे ऐसे मामलों पर जैसे आपने ज्योति आलोक मौर्य का न्याय दिलाए, वैसे यह गरीब सिरकुशन राम और इस जितने भी इनके बहू हैं, जितने भी इनके रहने वाले साथ रहने वाले सबका एक भला हो जाए। आप ऐसे ऐसे खबरों के लिए बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ।